गुड मॉर्निंग एवरीवन, नैन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ठीक है ना, तो एक टॉपिक मैंने खत्म किया आपको कोशिका वाला, और अगला टॉपिक आपका टिश्यू वाला है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो है मानव के शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो कोशिकाओं से हुआ है। शरीर में कितनी कोशिकाएँ हैं, कोशिकाओं पर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब आपको ये समझना है कि ऊतक क्या है, लेकिन टिश्यू क्या है। तो टिश्यू का जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है। कुल मिला के ये है कि संपूर्ण कोशिकाओं को 10^14 1000 कोशिकाओं को अगर देखा जाए तो एडजस्ट किया गया है चार प्रकार के ऊतकों में। ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है, क्वेश्चन आता है। ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ऊतकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं औतकी। क्या कहते हैं, औतकी, या आप कह सकते हो हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी। तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है तो हिस्टोलॉजी में किया जाता है, औतकी में किया जाता है। तो संपूर्ण शरीर की कुछ कोशिकाओं को चार प्रकार के ऊतकों में है ना एडजस्ट किया गया है। तो पहला जो ऊतक है वो एपिथेलियल ऊतक के हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। ठीक है ना, पहला ऊतक क्या हो जाएगा आपका एपिथेलियल ऊतक। दूसरा जो ऊतक है वो संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। और तीसरा ऊतक जो है वो पेशीय ऊतक है ना, मस्कुलर टिश्यू है। और चौथा ऊतक है वो तंत्रिका ऊतक, मतलब जितने ही बॉडी में शरीर में कोशिकाएं हैं उन सब का जो एडजस्टमेंट है। कुछ जैसे मकान की चार दीवारें होती हैं, मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता है, ईंटा लगते हैं, तो हर ईंटा से एक दीवार बनती है, तो मकान की चार दीवारें। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे शरीर में कितने प्रकार के ऊतक हैं, चार प्रकार के ऊतक हैं। उन सब ऊतकों में क्या किया गया है, पिसाली कोशिकाओं को एडजस्ट किया गया है। ठीक है, तो एपिथेलियल ऊतक क्या है आपको ये देखना है। तो आपने कहा कि बॉडी में जो पूरी की पूरी बाहर वाली स्किन, जो पतली पतली स्किन बनी हुई है बॉडी की, और जो आंतरिक पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, उनका भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, एपिथेलियम ऊतक से। ठीक है ना, जो कि एपिथेलियम क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है, तो उसे रक्षी ऊतक कहते हैं। और अस्तर के रूप में प्रयोग होता है, तो अस्तर ऊतक कहते हैं, कवर टिश्यू कहते हैं इसको। तो एपिथेलियम ऊतक क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है। तो आपको क्वेश्चन यही आता है, शरीर का बाह्य आवरण किससे बना होता है, तो आपने कहा एपिथेलियम उपकला, या आपने कहा अंदर वाले भाग हैं जैसे आमाशय है, या और भी लीवर है, तो उसके इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट भी एपिथेलियम के बने होते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक कौन सा है, आपने कहा कि रक्षी ऊतक है, रक्षा करता है, अस्तर ऊतक है। अब एपिथेलियम में अगर हम और देखें तो एपिथेलियम के जो प्रकार हैं उसको अगर हम देखते हैं, तो आप पहले एपिथेलियम पे ही हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपने एपिथेलियम में ये तो आप समझ ही गए। अब इसमें इसको देखा जाए तो एपिथेलियम भी तीन प्रकार का, क्या मतलब कई प्रकार का है वैसे तो, लेकिन मुख्य प्रकार तीन है। तो इसमें एक सल्की एपिथेलियम है, एक घनाकार है, और एक क्या हो जाएगा स्तंभी। सल्क का मतलब जैसे मछली के सल्क होते हैं, तो सल्की एपिथेलियम जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो एक सामान्य सल्की एपिथेलियम है इस तरह से। सामान्य सल्की मतलब एक लेयर, अगर एक लेयर बनी है, एक परत बनी है, तो वो क्या कहलाएगा, सामान्य सल्की कहलाएगा। ठीक है ना, अब आप निकाल सकते सामान्य सल्की का निर्माण, सामान्य सल्की से किसका निर्माण हुआ है, तो सामान्य सल्की से जो फेफड़े हैं उसमें वायु कोश होते हैं, छोटे छोटे वायु कोश। मतलब अगर देखा जाए तो फेफड़ों में 30 करोड़ वायु कोश हैं। जब हम श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो आपको चर्चा करेंगे इस पर। तो जो वहाँ के अंदर का जो लंग्स है उसका जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है, अगर देखा जाए तो सल्की, सामान्य सल्की से, मतलब एक परत है, जैसे फेफड़ों के वायु कोश है गेहूं गैस में, या रुधिर वाहिनियों के चारों ओर ब्लड वेसल्स है, तो अब रुधिर वाहिनी है। और उसके अंदर वाला जो पार्ट है, पतली पतली स्किन चढ़ी है, वो किसकी चढ़ी हुई है, तो आपने कहा सामान्य सल्की एपिथेलियम की चढ़ी हुई है, या देह गुहा का भी कुछ पार्ट उसमें है। स्तर मतलब कई परत है, कई स्तर होना। तो स्तर में जैसे मुख गुहा है, अब हम लोग जो मुख में अंदर ऊपर वाला पार्ट है, या आपने कहा ग्रसनी है, गले वाली है, आंखों की कायनिया है, या त्वचा है, तो एक किस्म आ जाएगी स्तर। अब स्तर में भी कई स्तर है, लेकिन नीचे का स्तर जननिक होता है। जननिक का मतलब सिंपली बात ये बातें हैं कि वो नया जनरेट करेगा, जैसे बाहर वाला, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो तमाम सीढ़ियाँ घिस जाती है, जब घिस जाती है तो फिर नीचे वाला जनरेट कर देता है उसको। जैसे अगर चार लेयर है तो एक लेयर हट गई तो फिर से नीचे वाले ने क्या कर दिया, बना दिया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि एक आपका जो है ना वो सल्क के आकार का सामान्य सल्क की क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि सामान्य सल्क से क्या बना, तो आपने कहा फेफड़ों की वायु कोश बने, है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर वाला पार्ट बना, और देह गुहा बना। ठीक है ना, तो ये किससे बने हुए हैं, सामान्य सल्की से, चाहे वो फेफड़ों की वायु कोश हो, चाहे रुधिर वाहिनियाँ हो, चाहे देह गुहा हो। इस तरह सल्की में कई जब स्तर होते हैं, तो आपने कहा मुख गुहा का आवरण बना है, ग्रसनी का आवरण बना है, गले वाला ये सब एक उसमें, आँखों की कायनियाँ बनी है, त्वचा, ये सब किससे बने हुए हैं, तो आपने कहा इस तरह सल्की से बने हुए हैं। ठीक है ना,
दूसरी बात जो घनाकार है, घनाकार का मतलब एक होता है जैसे एक घन है, आप समझते हो कि जो एक आपका घन हो गया, तो घन के आकार की जो कोशिकाएं हैं या एपिथेलियम में वो घनाकार है। तो घनाकार को भी अगर देखा जाए तो सामान्य घनाकार में और स्थिर घनाकार में देखा जाता है। अब सामान्य घनाकार में क्या होता है, जैसे हमने कहा घन के आकार की जो है सामान्य घनाकार में जैसे एक परत है, घनाकार में सामान्य घनाकार में क्या हो जाएगा, एक ही लेयर हो जाएगी, ठीक है ना। एक परत में क्या हो गया, तो सामान्य घनाकार से क्या बना, लाल ग्रंथियां, एक ही परत है इसमें, थायराइड ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां, मतलब जो भी ग्लैंड्स हैं जो कि सेक्रेशन के लिए, स्राव के लिए, अवशोषण के लिए, कुल मिलाकर क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि स्राव करना, सेक्रेशन करना और अवशोषण करना, मतलब एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है ना, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपने कहा सामान्य घनाकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात स्तर का मतलब, कई स्तर वही सेम चीज है, तो स्तर के अंतर्गत स्त्रियों का जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग क्या होता है, जैसे डिब्बे का आकार का है, कभी बेबी अगर मूत्र मार्ग से बाहर आ जाए तो यह डिब्बा एडजस्ट हो जाएगा, जैसे चौकोर डिब्बे को क्या कर लेते आप, एडजस्ट कर लेते, तो यह एडजस्ट हो जाएगा, मार्ग ज्यादा बन जाएगा। तो उन चीजों में जहाँ पे मार्ग कभी छोटा करना कभी बड़ा करना, कभी छोटा करना कभी बड़ा करना, उसमें कई स्तर होना चाहिए, तो उसमें स्तर है ना, या आपने कहा एनल कैनाल है, जैसे आप जो है वेस्टेज है वो बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड, वो सिकुड़ जाता है, फिर एक्सटेंड कर जाता है। जब किसी भी पार्ट को सिकुड़ना एक्सटेंड करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि इतना जो है आओ, इतना आपका पार्ट है, तो यहाँ पर जो पार्ट है वो खुल गया, डिब्बा दोनों खुल गए तो ये बंद हो गया, अब आपने कहा फोल्ड कर दो इनको, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये फोल्डिंग के लिए जो पार्ट है वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका स्तर घनाकार है। तो जो आप अगर जो घनाकार है, घन है, तो आप जानते हो डिब्बे का आकार है, घनाकार में एक सामान्य घनाकार हो गया, सामान्य घनाकार में जो भी सिक्रेशन करता है, जैसे लाल ग्रंथियां हैं, ये जो जितनी भी ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथि है, तो जो एक स्तर बनना है ग्रंथियों से, ठीक है, तो जो ग्रंथियां हैं उनको भी वही है, घन तो है ही, तो घन को जब कोई निकालना है, सलाइवा को निकालना है तो डिब्बा बंद हो गया, सलाइवा को नहीं निकालना है तो डिब्बा खुल गया, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे एक स्तर की बात है, क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए तो कई स्तर होना चाहिए, तो स्तर घन स्तंभ भी आ जाएगा, ठीक है, तो स्तंभ आपका स्तर घनाकार आ जाएगा, जैसे स्त्रियों का मूत्र मार्ग है, गुदानाल मैंने आपको बताया, तो अब स्तंभ, अब आ गया आपका घनाकार एपिथेलियम। उसके बाद स्तंभ भी एपिथेलियम में खंभे वाला बात है, स्तंभ मतलब होता है खंभा, आप जानते हो, तो खंभे की कोशिकाएं, खंभे जैसी कोशिकाएं जो एपिथेलियम वाली हैं वो किससे बनी है, तो आप देखा इसमें भी दो प्रकार हैं, एक सामान्य स्तंभी है, तो सामान्य स्तंभी में क्या आ जाएगा, तो आपने कहा इंटेस्टाइन है, आंत है या आमाशय है, इसका जो भीतरी पार्ट है, चाहे वो आपका आंत हो, इंटेस्टाइन हो, चाहे आपका छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आमाशय हो, स्टो आपका लीवर हो, इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो सामान्य स्तंभी से बना है। इसके बाद में स्तरित स्तंभी, कई स्तर होते हैं, वो महिलाओं की स्तन ग्रंथियां होती हैं जो, उसको किससे बनी हुई है, लैक्टोग्लैंड बनी हुई है वो, तो स्तंभी से, ठीक है, जब बेबी होता है तो उसमें स्तन में दुग्ध आ जाता है, तो इस हिसाब से उसको इतना एडजस्ट करना पड़ता है, वेट बढ़ जाता है, ठीक है, आकार बढ़ जाता है, तो स्तंभी एपिथेलियम में आपने देखा क्वेश्चन आता है कि स्तन ग्रंथियां किससे बनी हुई है, तो आपने कहा कि स्तर स्तंभी से बनी हुई है, ठीक है ना, तो उनकी जो गुहा होती है। तो यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया एक सल्की एपिथेलियम बताया, एक घनाकार एपिथेलियम बताया, एक स्तंभी एपिथेलियम बताया, एक और भी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वो विशेषकृत एपिथेलियम आ जाएगा। विशेषकृत को अगर देखा जाए ये भी दो भाग में हम बांट सकते हैं, एक है अंतर्वर्ती उपकला होता है, जैसे मूत्र मार्ग होता है हमारा यूरेथ्रा कहते हैं, या मूत्र वाहिनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो उसमें जो होता है मूत्र वाहिनी हो या मूत्र मार्ग हो, तो उसमें जो होता है वो क्या है, तो आपको ये समझना है कि इनमें कभी यूरिन आ गया तो खिंचाव हुआ, या यूरिन को बाहर निकालना है तो फैलाव हुआ, ज़्यादा यूरिन आएगा तो फैलना पड़ता है, जब यूरिन को बाहर निकालना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, श्रिंक करना पड़ता है, सिकुड़ना पड़ता है, तो जिसमें खिंचाव हो, फैलाव को सहन करने की क्षमता हो, वो जो वो कोशिकाएँ हम किसके अंतर्गत आती हैं, तो इसको विशेष दर्जा दिया गया, यानी कि विशेषीकृत एपिथेलियम के अंतर्गत कोशिकाएँ आ जाएंगी। तो आपको दूसरी बात, जैसे हमारे सभी तंत्रों में आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा है, तो तंत्रिका तंत्र में दूसरा इसका जो पार्ट है तंत्रिका संवेदी एपिथेलियम है, स्वतंत्र सिरों पर संवेदी रूप, मतलब सीधी सी बात है कि तंत्रिका तंत्र हमारा जो होता है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय से सब सिस्टम है, और जब ज्ञानेंद्रिय से सिस्टम है तो आपने कहा स्वाद लेना ज्ञानेंद्रिय है,
आपने का सूंघना ज्ञानेन्द्रिय है, आपने का देखना ज्ञानेन्द्रिय है, कोई संकट आ गया रोम रोम खड़े हो जाना वो भी ज्ञानेन्द्रिय है। तो जो ज्ञानेन्द्रियों से जो प्राप्त हो रहा है वो हमारे किसमें आ जाएगा आपका विशेषीकृत एपिथीलियम आ जाएगा, ठीक है ना। तो एपिथीलियम सबसे पहला जो ऊतक है वो आपको एपिथीलियम, आपने इसको समझा के ऊतक में जो एपिथीलियम है उसमें अगर देखा जाए तो पहली बात शरीर की रक्षा करता है, रक्षी ऊतक है, और इसके जो अन्य जो पार्ट हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक, पहली बात यह है कि शरीर का मैक्सिमम पार्ट किससे बना है, तो संयोजी ऊतक से बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ये आप समझ लीजिए। तो संयोजी ऊतक में अगर देखा जाए तो इसके बहुत से पार्ट हैं, पहले को हम लेते हैं तो इसमें जो है अस्थि, तो अस्थि जो होता है कुछ आपने पढ़ा होगा कि एडल्ट बॉडी में अस्थियों की संख्या 206 होती है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो शिशु में अस्थियों की संख्या लगभग 300 होती है, ठीक है। शिशु की बात किया जाए तो अस्थियों की संख्या कितना होती है, 300 होती है, इसके बाद में एडजस्ट हो जाती हैं तो एडल्ट बॉडी में कितनी बचती हैं, 206 बचती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है अस्थि क्या है, तो आपने कहा दृढ़ संयोजी ऊतक। अस्थियों की अगर हम संख्या की बात किया जाए तो जो खोपड़ी हमारी है, खोपड़ी की बात करें तो उसमें कुल मिला के 29 अस्थियाँ, 29 में से 14 अस्थियाँ जो है चेहरे में, ठीक है। फेस में कितना है, 14 है, ठीक है। ये आपका चेहरा हो गया, तो आपने कहा 14 अस्थियाँ, ठीक है। इसके बाद में प्लस चेहरे के बाद में आपने कहा कि कपाल है, कपाल का मतलब खोपड़ी, तो कपाल में देखा जाए तो 8 अस्थियाँ हैं। और इसके बाद में आपने कहा कि कान है, कर्ण, कान में 6 हड्डियाँ और 1 हड्डी हाइड है जिसका सब पुष्टिका है, सबको जोड़ोगे तो हड्डियाँ कितना हो गया, 29 हड्डियाँ किसमें हो गई, खोपड़ी वाले भाग, ठीक है ना। 14 चेहरे में है, जैसे मैक्सिला है, मैंडिबल है, बोमर है, नेजल है, लैक्राइमल है, जाइगोमेटिक है, तो ऐसे ही, ठीक है, किसमें आ गई, 14 अस्थि। अभी कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे तो एक एक आपको याद कराएंगे, आप मोटे मोटे तौर पर समझिए कि 14 अस्थियाँ कहाँ पर होती हैं। तो आपने कहा कि कहाँ पर होती हैं, चेहरे में होती हैं, फेस में, और यहाँ पे जो कपाल है ना, इस कपाल में कितनी होती हैं, तो 8 हड्डियाँ, जैसे फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, एथमाइस है, स्पिनाइड है, तो कुछ हड्डियाँ दो दो होती हैं। तो इस प्रकार 8 हड्डियाँ किसमें होगी, खोपड़ी में होगी, पीडीएफ में हम आपको भेजेंगे या आपको लिखाएंगे। और 3 हड्डियाँ कहाँ पे होगी, कान में, कान में सब आप जानते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपने कहा स्टेप्स यानी स्टेपीज हैं, और दूसरी है इनकस, और तीसरी है मैलियस। तो आपको याद भी करना है, तो आप समझ लीजिए कान में कभी कोई मैल हो जाता है तो मैलियस हो गया, कान के अंदर होता है तो इनकस हो गया, और आप स्टेपीज तो आप जानते ही हो। तो 3 एक कान में हो गया, 3 दूसरे कान में हो गया, 6 ये हो गया, 8 कपाल में हो गया, 14 चेहरे में हो गया, तो 1 हड्डी हाइड है जिस पर पूरी खोपड़ी घूम चलती है। इस प्रकार से आपने ये देखा कि 29 हड्डियाँ कहाँ पर हो जाती हैं, तो हमारे खोपड़ी में, वो पूरा खोपड़ी मानी जाती है, कपाल माना जाता है, हम लोग आम भाषा में कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में आगे वाला भाग है जो बक्स की बात करेंगे, थोरैक्स कहेंगे, तो इसमें पसलियाँ होती हैं, कितना होती हैं, आपने कहा सर 24 पसलियाँ रिब्स होती हैं, और इन पसलियों को जोड़ने के लिए एक पसली नहीं होती है, ये ओरोस्थी कहलाती है, या इंग्लिश में कहें तो स्टर्नम कहते हैं इसको, या एक ओरोस्थी कह सकते हो। तो 24 पसलियाँ और एक ए हो गया, कुल मिला के हिसाब से कितना बना, 25 हो, ठीक है। अब उसी में जो पसलियाँ पढ़ाएंगे तो आप जान पाएंगे कुछ पसलियाँ ऐसी होती हैं जो चल होती हैं, कुछ स्थिर होती हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि पसलियाँ का काम क्या है, तो आपने कहा सर पसलियाँ हृदय का रक्षा करती है, हृदय की रक्षा करने के लिए रिप्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं। कोई बहुत वीक व्यक्ति होता है, कमजोर, या कोई जानवर कमजोर हो, तो आपको एक एक पसली दिखाई
उसकी देती है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात किया जाए तो फिर पीठ है यानी कि मेरु रज्जु कहलाता है। तो मेरु रज्जु की अगर हम बात करें तो मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें हड्डियां पहले तो होती हैं, कितना देखा जाए तो, पर अगर पहले की छोड़ के देखा जाए तो 26 अस्थियां इसमें एडल्ट बॉडी में है, कितना है 36 से 26 हो जाती है। तो 26 का जो है आगे वाले भाग में 25 है और पीछे वाले भाग में कितना होती है 26 अस्थियां होती है इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद अब आपने ये तो कर लिया कि सर ये हमारा जैसे खोपड़ी है ना, और पसलियां हैं आगे वाला भाग पीछे वाला भाग, इसे हम लोग अगर देखा जाए तो मुख कंकाल के रूप में देखते हैं, और ये आपका साइड कंकाल है। तो आपने कहा कि जैसे हमारे हाथ हैं सर, तो हाथ को अग्रपाद कहा जाता है, ठीक है ना। तो 26 यहाँ पे 26 हो गया। अब अग्रपाद की बात किया जाए कि अग्रपाद का मतलब हाथ की बात करते हैं, तो इसमें कुल हड्डियाँ कितना होती हैं 60, कितना हो गई 60 हड्डियाँ, ठीक है ना। अब आपने कहा सर हाथ की जो बड़ी हड्डी है उसे क्या कहते हैं, तो मैंने कहा ह्यूमस कहते हैं। अब हाथ में ह्यूमस कितना है, तो आपने कहा एक हाथ में एक होगी दूसरे हाथ में दो होगी, यानी कि कुल मिला के हड्डियाँ कितना होगी।